हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा निश्चित समाकलन किसी फलन का, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का एक सतत फलन है अंतराल ab में, तो इस फलन का निश्चित समाकलन ab वक्र एफ एक्स तथा x अक्ष और x की कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, कुछ प्रश्न भी हमने किए थे। आइए इसी के अंतर्गत एक प्रश्न करते हैं, देखते हैं प्रश्न। वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाते हैं वृत्त को अक्षों पर, x अक्ष क्षैतिज x x डैश बना लीजिए तथा y y डैश तथा यह है मूल बिंदु ओरिजिन। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र शून्य शून्य तथा त्रिज्या ए है। आइए इस वृत्त को अक्षों पर बनाते हैं। ए त्रिज्या का वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु ओ है। तो एक्स की कोटियां हम देखते हैं, एक्स का मान मूल बिंदु पर शून्य है तथा x का मान यहाँ त्रिज्या के बराबर अर्थात a है। यदि हम इस फलन जो कि एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित है का समाकलन शून्य से लेकर a तक करें तो हम वृत्त के इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तथा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसे चार गुना कर देना चाहिए। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर चार गुना x का मान है शून्य से a y dx द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लिखते हैं इसे समीकरण एक, जहां y का मान हम वृत्त के समीकरण से निकालेंगे तो वृत्त का समीकरण है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। हल करते हैं इसे y के लिए तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तथा y का मान हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस y के मान को समीकरण एक में रखते हैं तो समीकरण एक में y का मान रखने पर अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा चार इंटीग्रेशन 0 से a जहाँ y का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आइए इस समाकलन को बनाते हैं। देखते हैं हम अभीष्ट क्षेत्रफल
बराबर है 4 गुना। समाकलन लिखते हैं वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और हम जानते हैं यह बराबर होता है एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए के, जिसकी सीमा है 0 से 1। हल करते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर मान निकालते हैं हम का इसका। x का मान a रखते हैं तो ये है a बाय टू, एक्स का मान फिर ये रखेंगे वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स का मान फिर हमने a रखा तो a बाय ए। यह है इस पद का मान उच्च सीमा पर। दूसरे में आप x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखने पर हम देखते हैं कि सभी मान 0 हो जाएंगे। 0 का गुणा होने से पहला पद 0 और साइन इनवर्स 0 होता है 0। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर है 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो गया 0, 0 यह पद भी हट गया, तो कुल मिला के हमें मिलता है ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स ए बाय ए अर्थात 1। साइन इनवर्स 1 या साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाय 2, रख देते हैं साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2, इस 2 और 2 से या 4 कट गया और हमें मिलता है पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई, अतः वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम परवलय बनाते हैं अक्षों पर। क्षैतिज अक्ष एक्स एक्स डैश, ऊर्ध्वाधर वाई y डैश और यह इनका मूल बिंदु। y स्क्वायर बराबर 4ax परवलय को हम बनाते हैं अक्षों पर। किसी परवलय की नाभिलंब जीवा उसकी वह जीवा है जो उसके नाभि से होकर गुजरती है। मान लेते हैं इस परवलय की नाभि S है तो इसके निर्देशांक होंगे A 0, मूल बिंदु पे X का मान है 0। तो नाभि से होकर जाती हुई परवलय की वह जीवा मान लेते हैं है L S और L डैश। तो L S L डैश इस परवलय की नाभिलंब जीवा है जिस परवलय की नाभि से होकर गुजरती है तथा परवलय के अक्ष के लंबवत होती है। अब हम जानते हैं एल एस एल डैश का मान बराबर होगा 4a के। परवलय के समीकरण से एल एस एल डैश का मान बराबर होता है
4ak, चूंकि l, s और s, l डैश आपस में बराबर है, यदि हम एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो उसको दुगना करके हम पूरा क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो एल एस एल डैश को हम दुगना लिख सकते हैं एल एस का, अतः यह बराबर है 4 ए के। इसलिए एल एस बराबर हमें मिलेगा 4a बाय 2, अर्थात एल एस बराबर हमें मिल गया 2a। अतः बिंदु L के निर्देशांक होंगे a 2a, इसी प्रकार L डैश पर इसके निर्देशांक होंगे a माइनस 2a। अब यदि हम इस परवलय के समीकरण को वक्र y के लिए निकाल लें तो इसको कोटियों x बराबर 0 से x बराबर a के बीच यदि हम इसका निश्चित समाकलन ज्ञात करें तो यह एक भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा दो गुना इस क्षेत्रफल का, इसके लिए दो लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a y dx के, जहाँ इस y का मान हम ज्ञात करेंगे परवलय के समीकरण से जो कि है y square बराबर 4ax। इसलिए y का मान होगा वर्गमूल के अंदर 4ax। रखते हैं यहाँ पर y का मान, हम देखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 2 शून्य से a वर्गमूल 4ax dx के, 2 और वर्गमूल हो गया 4 का 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल a को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है 0 अंडर रूट x dx का। हल करते हैं इसे, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4 वर्गमूल a, समाकलन 0 से a x की घात में 1/2 लिखते हैं वर्गमूल के चिन्ह को, और इसका समाकलन करते हैं x की घात में n सूत्र से, तो यह आ जाता है x की घात में 1/2 धन 1 और हर में भी 1/2 धन 1, जिसकी सीमा है 0 से a, बराबर होगा 4 वर्गमूल a x की घात में 3/2, हर में भी 3/2, यह 3/2 पलट जाएगा और यह हमारा बन जाएगा 8/3, जिसकी सीमा है 0 से a वर्गमूल a x की घात में 3/2, 0 से a के बीच में हल करते हैं 8/3 वर्गमूल a, x का मान रखते हैं एक बार a, a की घात में 3/2 ऋण x का मान रख दिया हमने 0। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 8/3 वर्गमूल a तथा a की घात में 3/2 के, 8/3 a की घात में 1/2 लिखेंगे वर्गमूल के चिन्ह को, a की घात में 3/2 हल करेंगे, घातांक जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो a की घात में 1/2 और 3/2 को हम
जोड़ देंगे जिससे हमें मिलेगा a का वर्ग, वर्ग इकाई। अतः परवलय तथा उसकी नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल होगा 8/3 a का वर्ग, वर्ग इकाई। तो हमने देखा कि x की कोटियों के मध्य किसी फलन का निश्चित समाकलन वक्र तथा x अक्ष और x की कोटियों x बराबर a तथा x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। आइए अब देखते हैं कि निश्चित समाकलन का प्रयोग किस प्रकार दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने में करते हैं। तो दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आइए देखते हैं। माना हमारा पहला वक्र y1 फलन fx से परिभाषित है तथा दूसरा वक्र y2 किसी अन्य फलन φx से परिभाषित है। अक्षों पर इन्हें बनाइए। यह है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर y अक्ष। मान लेते हैं यह पहला फलन वक्र fx को प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार दूसरा फलन y2 बराबर फाई एक्स को वक्र से बनाइए। तो यह वक्र पहले फलन को प्रदर्शित करता है और यह वक्र दूसरे फलन फाई एक्स को यदि प्रदर्शित करता है तो इन दोनों वक्रों के बीच का यह क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हम निश्चित समाकलन की परिभाषा से पढ़ चुके हैं कि किसी वक्र का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी वक्र fx का निश्चित समाकलन x की कोटियाँ यदि हों a से b, तो a से b के बीच में वक्र fx का निश्चित समाकलन इस वक्र तथा x अक्ष और x की कोटियों के मध्य इस पूरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार a से b के बीच वक्र फाई एक्स डी एक्स का निश्चित समाकलन इस वक्र द्वारा x अक्ष तथा इस कोटि के मध्य क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो यह बीच का क्षेत्रफल हमें किस प्रकार ज्ञात होगा? वक्र fx द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल में से यदि हम घटा दें वक्र फाई एक्स द्वारा x अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल को तो हमें यह अभीष्ट क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं वक्र fx द्वारा x अक्ष पर कोटियों a और b के मध्य का क्षेत्रफल ऋण वक्र फाई एक्स द्वारा x की कोटियों a और b के मध्य निश्चित समाकलन से। इसी को लिख सकते हैं हम a से b fx को यदि y1 लिखते हैं तथा इंटीग्रेशन a से b फाई एक्स को यदि हम y2 लिखते हैं तो y1 dx और ये इंटीग्रेशन a से b y2 dx। अतः अभी क्षेत्रफल बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b
वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स के। तो दो वक्रों y1 और y2 के बीच का क्षेत्रफल होता है a से b y1 माइनस y2 dx। आइए इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax तथा रेखा y बराबर mx के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले अक्षों पर वक्रों को बनाते हैं। पहला वक्र है y स्क्वायर बराबर 4ax जो कि एक परवलय का समीकरण है। इस प्रकार बनेगा y स्क्वायर बराबर 4ax। y का मान निकाल लीजिए इससे, तो हम y बराबर लिख सकते हैं वर्गमूल 4ax और इसे नंबर दे देंगे हम समीकरण एक। इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण है, पहला परवलय है तथा दूसरा हमारे पास है एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx। उस सरल रेखा का समीकरण है जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा अक्षों पर कोई अंतःखंड नहीं काटती, तो मूल बिंदु से होकर गुजरती इस सरल रेखा को हम बनाते हैं। तो यहाँ हमने बना लिया सरल रेखा y बराबर mx। हमें इस परवलय और इस सरल रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परवलय द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे सरल रेखा द्वारा x अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल का। पर पहले ज्ञात करते हैं x की कोटियाँ। x का पहला मान तो हमें दिख रहा है शून्य, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु सरल रेखा और परवलय का। इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करते हैं। दोनों समीकरणों को हल करते हैं, हमें x के वे मान मिलेंगे जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। पहला समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा समीकरण है y बराबर mx। समीकरण दो से y का मान समीकरण एक में रख देते हैं, तो mx का वर्ग बराबर हो जाएगा 4ax से। दोनों समीकरण को हल कर रहे हैं, समीकरण एक और। दोनों समीकरणों को हल करने पर हम देखते हैं x के क्या मान हैं जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण दो में y का मान mx था जिसे हमने समीकरण एक में रख दिया, जिससे हमें मिलता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर लिख सकते हैं शून्य। x को मैंने निकालिए तो एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर लिख सकते हैं शून्य, जिससे हमें x के दो मान मिलते हैं x बराबर शून्य या एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर शून्य। x बराबर शून्य या यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा 4a बार एम स्क्वायर जो कि x की कोटियाँ हैं। तो x की कोटियाँ हमने ज्ञात कर ली शून्य से 4a बार एम स्क्वायर, अतः x का यह मान तो शून्य है और x का यह मान है
फोर ए बाय एम स्क्वायर। तो x को हम शून्य से लेकर 4a बाय एम स्क्वायर के बीच समाकलन करके हम अभीष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेशन x की कोटियां शून्य से लेकर 4a बाय एम स्क्वायर y1 माइनस y2 dx होगा शून्य से 4a बाय एम स्क्वायर इंटीग्रेशन, जहाँ y1 है परवलय का समीकरण जिससे y का मान निकालते हैं हम अंडर रूट 4ax, तथा y2 है सरल रेखा का समीकरण जिसका मान है mx dx। आइए समाकलन करते हैं। कांस्टेंट वर्गमूल 4 और a, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल a भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा वर्गमूल x का, जिसे हम लिख सकते हैं x की घात में 1 बटे 2, अतः इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की घात में 1 बटे 2 धन 1 बटे 1 बटे 2 धन 1। इसी प्रकार माइनस एम कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट है शून्य से लेकर 4a बाय एम स्क्वायर। थोड़ा सा और हल करके इसको लिख लेते हैं, तो 2 वर्गमूल a x की घात में 3 बटे 2, हर में भी 3 बटे 2, ऋण m बटे 2 x स्क्वायर, लिमिट 0 से 4a बाय एम स्क्वायर। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 2 वर्गमूल a, इस दो को ऊपर ले जाते हैं तो 2 और 2 का गुणा कर देते हैं, 4 बटे 3 वर्गमूल a, x की घात में है 3 बटे 2, ऋण m बाय 2 x का वर्ग, इसकी सीमाएं हैं शून्य से लेकर 4a बाय m स्क्वायर। हल करने का तरीका, पहले उच्च सीमा रखेंगे x का मान और फिर निम्न सीमा रखेंगे, तो x का मान रखते हैं 4a बाय m स्क्वायर की घात में 3 बटे 2, x की जगह पर रख दिया हमने, माइनस m बाय 2, फिर x का मान रखते हैं 4a बाय एम स्क्वायर का वर्ग, ऋण करके जब हम x का मान शून्य रखते हैं तो दोनों ही पद हमें शून्य मिलेंगे, तो ऋण शून्य बराबर 4 बाय 3 वर्गमूल के अंदर a है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग a बटे m का वर्ग, और घात में है 3 बटे 2, ऋण m बाय 2 वर्ग करते हैं 4a का, 4 का वर्ग हो गया 16, a का वर्ग और m के वर्ग का वर्ग m की घात में लिख सकते हैं हम 4।
अतः अभी क्षेत्रफल बराबर है 4/3 वर्गमूल a। यहाँ से घात को हल करते हैं, 2 की घात में 2 है, जिसकी घात में 3/2 भी है, 2 की घात में 2 की घात में 3/2, 1 की घात में लिख सकते हैं 3/2। हर में m का वर्ग, जिसकी घात में लिख सकते हैं 3/2। माइनस m बाय 2, 16 a का वर्ग। यहाँ से एक m को हम काट देते हैं तो m की घात में हमें मिलता है 3, और 2 से 16 को भी काट दीजिए तो ये बन जाता है 8। तो हमारे पास यह पद है 8a² / m³ बराबर 4/3। वर्गमूल a को 1 की घात में 1/2 लिख सकते हैं, 2 की घात का 2 और ये 2 कटेगा तो 2 की घात में 3, 1 की घात में है 3/2। हर में भी m वर्ग का 2 कट जाएगा तो m की घात में मिलेगा हमें 3, ऋण 8a² / m³ बराबर 4/3। 2 की घात में 3 को हल करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 की घात में 1/2 और 3/2 जुड़ जाएगा, आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, 1/2 में है m³ माइनस 8a² / m³ बराबर 8 और 4 का गुणा कर लेते हैं, 8 + 32/3। 1 ही घातांकों को हल करते हैं, लघुत्तम 2, 3 और 1 हो गया 4, तो 4/2 अर्थात 1² / m³ ऋण 8a² / m³ अतः अभी क्षेत्रफल बराबर होगा, हम देख रहे हैं a² / m³3 उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लें तो 32/3 में से घट जाएगा 8, हल करते हैं इसे, a² / m³ लघुत्तम ले लेते हैं 3, तो यह 32 ऋण 8 * 24, a² / m³ और 32 में से 24 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 8/3, अतः 8/3 a² / m³ वर्ग इकाई, परवलय तथा उसकी नाभि लंब जीवा के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी बना सकते हैं। जिसे हम अब अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।